नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है 11wickets.com वेबसाइट के द्वारा, जिसके माध्यम से आप गेम खेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो आप कैसे कमाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको उस लिंक से इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप मेरे रेफरल कोड से इसके अंदर अकाउंट बनाओगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अलावा साइनअप करते ही आपको 25 रुपये और मिलेंगे, यानी कि 75 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आप अपने रेफरल कोड को शेयर करते हो और आपका फ्रेंड ज्वाइन कर लेता है इस वेबसाइट को, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, साथ ही आपके फ्रेंड को भी 50 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसमें ये अलग से कमाई कर सकते हो और जो आपकी गेम खेल करके कमाई रही वो आप अलग से कर पाओगे। और साथ ही आप 250 रुपये होने पर अपनी जो कमाई है उसको निकाल सकते हो, चाहे पेटीएम के माध्यम से या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। जी हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2 नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है वो नोटिफिकेशन और किस बारे में जारी किया गया है। तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे ही ई सिटीजन सेक्शन से पब्लिक नोटिस में जाकर के देखोगे तो आप यहां पर पाओगे कि आज की डेट में 2 नोटिफिकेशन अपडेट किए गए हैं। आपको ये ओपन कर लेने, ओपन करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि जो पहला नोटिफिकेशन है वो आपकी कलर की पोस्ट के बारे में है। जो कलर की भर्ती निकाली गई थी 4,858 पदों के लिए, उसमें और पोस्ट घटा दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर अब आपकी पोस्ट बच करके रह गई है 4,836। अब किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट दी जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और किस कैटेगरी के लिए ये पोस्ट घटाई है वो भी आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन है वो है आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2019 के लिए निकाली गई थी। इसमें यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन के बारे में है, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी इन्होंने क्लैरिफाई की है कि आपको ये जानकारी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पूरा चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी डिटेल है उसमें भी बदलाव किया गया है, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी को अब कितनी पोस्ट दी जा रही है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती 2019 के बारे में। अगर आपको आगे भी इस प्रकार से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपडेट चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया था या फिर जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।